सो गाइस अभी आप लोगों ने स्क्रीन में कुछ रिव्यू तो देख ही लिए होंगे गाइस, तो देख ही सकते हो वीडियोस जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, एकदम बीट के साथ मैच होते हुए सब इफेक्ट्स वगैरह आ रहा है। तो कैसे आप भी इस टाइप की वीडियो को क्रिएट कर सकते हो यही मैं बताने वाली हूँ। तो देखने में बहुत वीडियो आपका अच्छा लगने वाला है, कम टाइम में वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा ऐसा मैं ट्रिक बताऊँगी। तो वीडियो को बस आपको लास्ट देखना है, जरूर से लाइक शेयर भी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैपकट को जो है डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, टेलीग्राम पे दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कैपकट को मैं ओपन कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक वीडियो को शूट कर लेना है आपको अपने मतलब फ्री फायर गेम में जाने के बाद, जो भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है कर सकते हो। देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब इसका जो है फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट, तो इस पर क्लिक करना है गाइस, और इसको जो है 9:16 पे सेलेक्ट करना है। ओके अब इसको बैक करती हूँ, देन वीडियो के ऊपर क्लिक किया और इसको जो है ऐसे करके मैं बड़ा कर दूँगी, देख सकते हो। सो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने इसको जूम कर दिया है, ठीक है। जूम करने के बाद लास्ट पोजीशन में आना है, यहाँ पे कैपकट का जो है वॉटर मार्क आ जाता है, इसको यहाँ पे मैं कर दूँगी डिलीट। डिलीट करने के बाद गाइस कौन सा मेरे को पार्ट लेना है मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे स्प्लिट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगी और एक कट लग गया है, इस पर मैंने क्लिक किया। इस बेकर पार्ट को जो है यहाँ पे कर दूँगी मैं डिलीट, डिलीट हो गया। अब ये वाला यहाँ से थोड़ा सा मैं ट्रिम कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुरे को चाहिए था। सो गाइस मैंने जो है इस वीडियो को कुछ इस तरीके से ले लिया है, तो आपको वीडियो अपना जैसा भी शूट करना हो, जैसा भी इमोट लगा कर आप कर सकते हो। ओके देन गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखेगा ऐड ऑडियो, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है गाइस, और इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक साउंड वाली वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को डाउनलोड करना है और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इंपोर्ट साउंड ऑनली पे क्लिक करके इसके साउंड को यहाँ पे ऐड कर देना है। सो देख सकते हो यहाँ पे साउंड जो है आ गया है, ठीक है। देन गाइस इसको ऐसे करके प्ले करके भी आपको सुन लेना है कहाँ से जो है बीट आता है, ठीक है। तो मेरा जो है ना ये एकदम सही जगह पे है, यहाँ से मेरा बीट आना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से मैं जो है पिक्चर सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन दिखेगा, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी और फोटोज़ पे क्लिक करूँगी गाइस, और यहाँ पे जो है मैं पिक्चर को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। टोटल 3 पिक्चर्स को आपको सेलेक्ट करना है वीडियो के बाद, ठीक है। तो देख ही सकते हो 3 पिक्चर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने जो है फ्री फायर अपने गेम को ओपन करने के बाद ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। सो अब जो है इसको मैं ऐसे प्ले करके सुन लेती हूँ कहाँ से मैच होता है ये, तो देख ही सकते हो। सो ये जो है यहाँ तक ही है, सही है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कर दिया, और इसको ऐसे करके। तो गाइस आप अगर प्ले करके सुने करें ना, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से बीट है, बीट के साथ मैच करते हुए आपको इसको जो है बस ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया है, देन क्या करने का इस यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको स्टाइल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो कैमरा दिख रहा है ना फर्स्ट, इस पर ही आपको बस सेलेक्ट करना है। ओके तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे जो है एक इफेक्ट जो है लग जाएगा जो कि एनिमेशन के साथ। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है ये इफेक्ट लग गया है, ठीक है। ओके देन ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें भी ये वाला इफेक्ट लगाना है, तो देख सकते हो इसमें भी ये इफेक्ट लग रहा है, बस 100% होने वाला है। सो गाइस देख सकते हो इस पर भी ये वाला इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। अब लास्ट वाले पिक्चर पर भी लगा देते हैं, बस देख सकते हो एक ही इफेक्ट को आपको लगाना है जो कैमरा वाला है ना फर्स्ट पे, उसी इफेक्ट को सारे पिक्चर में जो है अप्लाई करना है आपको। ओके गाइस ये लास्ट वाले पिक्चर पर भी लग गया, अब यहाँ पर मैं इसको टिक कर दूँगी। ओके टिक कर दिया गाइस, ये सब तो लग गया है, अब सही है। देन गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन में आना है, यहाँ पे आने के बाद गाइस फिल्टर्स पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको इधर जो है स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा टैन, तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है। इसका देख सकते हो एकदम ही कलर ग्रेडिंग हो गया है, टिक कर देती हूँ और इसको जो है लास्ट तक ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये अभी दिख रहा है। ओके तो अब बैक कर देती हूँ इसको, बैक करने के बाद गाइस, बैक करने के बाद गाइस फर्स्ट पोजीशन में आ जाना है और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और ट्रेंडिंग में गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन जो है मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको दिखेगा रेट्रो ब्लू, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का जो है कलर ग्रेडिंग ये हो गया है। ओके अब इसको टिक करूँगी, टिक करने के बाद इसको भी लास्ट तक जो है अप्लाई कर दूँगी।
तो देख सकते हो लास्ट तक मैंने जो है इसको अप्लाई कर दिया और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो। देन गाइस यहाँ पे इसको बैक करना है, बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरले, तो इस पर क्लिक करना है और ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, वीडियोस पे जाना है। अब गाइस यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट को जो है डाउनलोड कर लेना है, स्नोफॉल वाली, ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो इसको ऐड कर दिया। अब इसको ऐसा फुल स्क्रीन में कर दूंगी, इस प्लेस पे क्लिक करना है गाइस, और इसको जो है आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिल्टर में देख सकते हो गाइस ये भी सही लग रहा है, तो यहाँ पे टिक कर देती हूँ, फिल्टर में मैंने सेलेक्ट किया और इसके लेंथ को यहाँ तक कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद गाइस इसको बैक करना है और यहाँ जो हमारा पिक्चर स्टार्ट होता है ना इस पोजीशन में आ जाना है, ओके। देन इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रोलिंग फिल्म, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, देख सकते हो ये वाला इफेक्ट लग गया। टिक करने के बाद इसको जो है लास्ट तक इसको भी अप्लाई कर देना है, ओके गाइस, और इसको बैक कर देती हूँ। अब देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से जो है हमारा वीडियो यहाँ पे बन गया है। सो गाइस ये वीडियो देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा अब कूल लग रहा है। सो ऐसे करके आप इजीली इफेक्ट वगैरह कलर टोन जो है बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको 60 पे कर दूंगी और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लूँगी। सो गाइस ऐसे सेव करने के बाद कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।